तो सीधी सीधी बात है, अभी है हमारा लेक्चर नंबर 14, ठीक है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, डायपोल फील्ड पढ़ेंगे और थोड़ा सा अच्छे से इसको जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, तो एकदम बड़े प्यार से इसको समझते हैं और विद इन 5 मिनट ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो जल्दी से आगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई माने क्या होता है, दो पोल मतलब क्या, चार्ज की बात करता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है सुनना जरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जहां पर दो चार्ज, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। ऐसा सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल जहां पर दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर जस्ट अपोजिट है, माने कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है। अगर बाई चांस ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे से, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं। इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम रहती है और इनकी जो डिस्टेंस है, मैं एक्स भी दिखा सकता था, वाई भी दिखा सकता था, मैंने जानबूझ के 2L दिखाई है, ट्वाइस इसलिए लिया है ताकि कभी इसका हाफ करेंगे तो 2 से वो कैंसिल रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके कैलकुलेशन में, डेरिवेशन में आसान रहेगा इसलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है सुनना, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 कूलम है तो इसकी वैल्यू 2 रहेगी, बट अपोजिट नेचर के दो चार्ज एक दूसरे से बहुत ज्यादा कम, ठीक है, माइक्रो, ठीक है, नैनो, इसमें रहता है इनका सेपरेशन, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई तुमसे पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको पी से दिखाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से दिखाता है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पी वेक्टर, ठीक है। तो अब आप लोगों से पूछेगा कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पी इक्वल टू, दोनों में से जो इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू ही तो है ना, इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, तो दोनों चार्ज का सेपरेशन मैं 2L लिया है, क्या लिया है, 2L। तो ये होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखोगे पी वेक्टर इक्वल टू, सपोज दैट इसका जो पोजिशन वैक्टर है ये मैंने लिया 2L वैक्टर, क्या ले लिया, 2L वैक्टर, तो पी वैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू कितना हो जाएगा, 2L वैक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। किसी भी डायपोल मोमेंट का और डायपोल का डायपोल मोमेंट का आप लोगों को वेक्टर फॉर्म पर लिखना सिखा दिया। नेक्स्ट आप लोगों से पूछता है कि ये जो डायपोल मोमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो किसी भी डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये जो डायपोल का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की देखो वेक्टर फॉर्म ये है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है खाली तो मैग्नीट्यूड होगा पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ठीक है, क्यू मैग्नीट्यूड रहता है। उसके अलावा चलो कोई बात नहीं, आपसे मिटा देते हैं, यूनिट की बात करते हैं इसकी, इसकी यूनिट क्या रहती है कोई पूछेगा आप लोगों से डाइपोल मोमेंट की। देखो ना चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और 2L क्या है, इनका सेपरेशन माने डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर, ठीक है, सी डैश एम लिखना है, कूलम मीटर, तो इसकी यूनिट होती है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर हम बात करें HCl एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, कैसा है देखो, HCl को जब लिखोगे तो एच पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो एच प्लस वन Cl माइनस वन, तो दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड वन वन और साइन इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक एग्जाम्पल, इनका सेपरेशन भी बहुत कम रहता है। ऐसे ही H2O O नेगेटिव H पॉजिटिव O नेगेटिव
एच पॉजिटिव, तो दो डाइपोल बन रहे हैं, एच टू ओ भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसे ही एच सी एल एच टू ओ सी टू एच फाइव ओ एच सी एस पी नेगेटिव सी ओ सॉरी सी एस पी पॉजिटिव सी ओ ए नेगेटिव, ये भी इसके एग्जाम्पल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इतना मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने बोला अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहली चीज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बता दिया, जो आप लोगों को समझाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस। मतलब बोला इसने कि ये आप लोगों का माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेटेड है इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उसका सेपरेशन, ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म पर इतना है, तो पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इनटू टू एल वेक्टर, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब डाइपोल फील्ड की बात करते हैं, देखो ना आप लोगों को बताऊं, कोई आपसे पूछेगा कि किसी भी डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है, देखो यहाँ पर कोई चार्ज अगर आप लोगों ने माइनस क्यू लिया है, इधर चार्ज प्लस क्यू लिया है, तो नेट चार्ज देखोगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट चार्ज इक्वल टू कितना रहेगा, जीरो। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज जीरो होता है, बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एड होता है, जीरो नहीं होता। कैसे, ये माइनस क्यू चार्ज है इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये प्लस क्यू चार्ज है इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो किसी भी डायपोल का उसके जो दो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जनरेटेड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी को डायपोल फील्ड बोलते हैं। बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड द डायपोल फील्ड, क्योंकि डायपोल में दो चार्जेस है, दोनों का अपना इंडिविजुअल कुछ फील्ड रहेगा, तो इनसे जो सेपरेटेड नेट फील्ड है उसी को बोलते हैं डायपोल फील्ड। लेकिन ध्यान रखना कि डायपोल फील्ड की जो लिमिट होती है ना, डायपोल का सेपरेशन 2L है, वो ध्यान रखना कि जो इसका फील्ड है, जैसे जैसे डायपोल से दूर जाओगे आप लोग, तो इसके फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। और अगर बाई चांस आप लोग इतना आर डिस्टेंस दूर चले गए कि आर की वैल्यू डायपोल की जो सेपरेशन है इससे बहुत ज्यादा हो गई, उस केस में डायपोल का जो फील्ड है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिलहाल इतना काफी है इस टॉपिक के लिए, दैट्स ऑल। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक में।